प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास ठीक ठाक सेविंग है तो पहले से चल रहे किसी कारोबार से जुड़कर आप अपना धंधा जमा सकते हैं। कैसे? चलिए आज की चर्चा इसी पर करते हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। फ्लिपकार्ट एक इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है जो अपना सारा काम ऑनलाइन करती है। फ्लिपकार्ट के जरिए रोजाना हजारों लाखों चीजें इधर से उधर लोगों तक पहुँचाई जाती है। इन सामानों की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट अपनी कूरियर फ्रेंचाइजी देती है लोगों को। इससे जुड़कर आप हर रोज अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्या कुछ करना होगा इससे जुड़ने के लिए और कैसे और कितनी होगी आपकी कमाई, चलिए जानते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा ज्ञान फ्लिपकार्ट से जुड़ा लेते चलें। जैसे कि हमने आपको बताया, flipkart.com एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी बहुत बड़ा है। ये कंपनी अक्टूबर 2007 में बेंगलुरु इंडिया में सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा शुरू की गई थी। फ्लिपकार्ट रेवेन्यू के हिसाब से भी इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। फिलहाल इस कंपनी का स्वामित्व अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के पास है और फ्लिपकार्ट का कोरियर बिजनेस ई कार्ट संभालती है। ई कार्ट भी फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब आते हैं काम की बात पर। ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार में डिलीवरी एजेंसीज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। खासकर जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से ये काम और भी ज्यादा फल फूल रहा है। इस कारोबार में कदम रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपनी से फायदा कैसे होगा। कंपनी से वीकली पेमेंट मिलती है, आपको महीने का इंतजार नहीं करना होगा। ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं है क्योंकि आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। बस सारा काम आपको कंपनी से मिलेगा, आपको कस्टमर का इंतजार भी नहीं करना है। कंपनी आपको हर प्रकार से फ्रेंचाइजी सपोर्ट भी करती है, साथ ही ट्रेनिंग देकर आपकी मदद भी करती है। इस कारोबार के लिए आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको जब ये फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो उसे चलाने के लिए एक छोटे स्तर पर आपको कुछ ना कुछ खर्च जरूर करना पड़ता है। जैसे ऑफिस का खर्च होता है जिसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फोन का बिल या ऑफिस से जुड़ी एसेसरीज आ जाती है। सामान लाने ले जाने के लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत होगी, जैसे कार्गो वैन या स्कूटी जैसा कोई चीज। साथ ही आपको कम से कम 2 से 3 या 4 डिलीवरी बॉयज भी चाहिए होंगे, उनकी सैलरी का खर्च होगा और बाकी सब खर्च मिलाकर आपको कम से कम महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने ही होंगे। इन सब में अक्सर सबसे बड़ा खर्च जमीन को लेकर आता है। इस बिजनेस के अंदर आपको ऑफिस और गोडाउन और पार्किंग के लिए थोड़ी सी जमीन की जरूरत पड़ती है। कुल स्पेस को अगर अनुमान लगाएं तो लगभग 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जरूरत आपको पड़ सकती है। ये कम भी हो सकती है पर हम बीच का एवरेज लेकर चल रहे हैं। इसलिए जमीन अगर आपकी अपनी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी कोई जमीन कोई रोड पर बड़ी अच्छी जगह पर लेने की जरूरत नहीं है, आप अंदर कहीं भी ले सकते हैं जहाँ ठीक ठाक रोड हो और आपका सामान आना जाना आसानी से हो सके। इसमें आपको बता दें, इस तरह के काम के लिए सरकार भी आपकी सहायता करती है। दरअसल सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत आपको ऐसे किसी बिजनेस को शुरू करने में सरकार जो मदद करती है, जिसपे बेहद कम ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा लोन दिया जाता है। जहाँ तक बात प्रॉफिट मार्जिन की करें तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम हर दिन 100 डिलीवरी करते हैं और हर डिलीवरी में कम से कम 50 रुपए अगर मिलते हैं तो लगभग एक दिन में 5000 रुपए आपको मिल जाएंगे और ये महीने का एवरेज निकाले तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए होता है। हालांकि ये उदाहरण केवल आपको समझाने के लिए है, ये एक अंदाजे के तौर पर है, इसमें कम या ज्यादा आपकी कमाई हो सकती है। अब आपको बताते हैं इससे जुड़ने का तरीका। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी अपना सारा डिलीवरी का काम ई कार्ट लॉजिस्टिक से करवाती है। ई कार्ट फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, इसलिए फ्लिपकार्ट की डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। ई कार्ट कंपनी एक महीने में लगभग 10 मिलियन से ज्यादा शिपमेंट करती है। ई कार्ट पूरे भारत में 3800 प्लस पिन कोड पर अपनी सर्विसेज देती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई कार्ट लॉजिस्टिक डीलरशिप को केवल 3 से 4 साल तक का एग्रीमेंट पीरियड पर ही मिलती है। अब अगर आपको ये कारोबार ठीक लग रहा है तो आपको इससे जुड़ने के लिए कंपनी के पास मेल डालना होगा या फिर आप कंपनी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ई कार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मांगी गई सारी जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद कंपनी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर फ्रेंचाइजी देने से जुड़ी सारी जानकारी दे देगी।